हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के ब्लॉग में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगा, बाहर का घूमना फिरना, खाना पीना, हर एक चीज आपको दिखेगी। और एक स्पेशल चीज भी है जो मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराऊंगी, तो कीप वॉचिंग। तो मैंने ये बाहर से खाना मंगवाया आज, मेरे को बहुत ज्यादा बर्गर का क्रेविंग हो रहा था। वैसे तो मैं बर्गर किंग और डोमिनोज का ही डोमिनोज बोल रही हूँ, मैकडी का ही खाती हूँ, बट ये इनका रेटिंग भी अच्छा था, 4.3 था। तो मुझे लगा कि 4 के ऊपर जितने भी रेटिंग वाले रेस्टोरेंट होते हैं अच्छे ही होते हैं, बट खाना ओके था। जब चम्स आते ना तो मेरा हालत इतना ख़राब होता है, मैं तो क्या बोलूँ। दो दिन तो मेरा, मतलब आपको शक्ल देख के पता चल ही रहा होगा कि कितना ज़्यादा अजीब लग रहा है मुझे, तो मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे को क्रैम्स आते हैं और मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, बट इस बार मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि कभी कभी आप नए प्रोडक्ट यूज़ करते हो और आपको बहुत अच्छा फील आता है। सो हियर इट इज़ द वुमेन्स कंपनी, इनके मैं पैड्स यूज़ कर रही हूँ। इट इज़ बायोडिग्रेडेबल, अल्ट्रा सॉफ्ट एंड रैश फ्री, जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मेरे को तो बहुत ज़्यादा रैशेस आते हैं कि थोड़ा सा बॉडी में फैट्स है तो आपके जो थाइज एरिया होती है ना वहाँ पे ना तो रैशेस आ जाते हैं मुझे। सुपर थिन है, ऑर्गेनिक कॉटन है और ये क्रुएल्टी फ्री भी है, ईजी डिस्पोजल है और फ्रेग्रेंस फ्री भी है, सारी चीज़ें नेचुरल है और इस वजह से मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। मैं लिंक आपको दे दूंगी, आप इसको ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। कुछ इस तरीके का दिखता है, जैसे नॉर्मल पैड होते हैं वैसे ही दिखते हैं और इसके जो साइज़ है ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है और ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट है ना। हाँ, ये यूज़ नहीं, ऑफकोर्स आई कैन स्मेल इट, तो इस पर कोई एक्स्ट्रा मतलब फ्रेग्रेंस नहीं है, तो इट इज़ वेरी सेफ, क्रुएल्टी फ्री है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ना। आपको पता ही है इसको यूज़ कैसे करना है, हमें अपने अंडरवेयर में इसको ऐसे इस तरीके से इसको और ये हटा के इसको लगाना है, ठीक है ना, स्टिक करना है। ये बहुत ही अच्छा कवरेज देता है और कोई लीकेज नहीं हुआ, इसको मैं पहन के सोई भी हूँ, तो ये प्रोडक्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। और इसको आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हो, इसका ओरिजिनल प्राइस है 129, 8 पीसेस आते हैं इसमें और ये 99 में अभी आपको मिल जाएगा। लोग 8 आवर्स के बाद चेंज करते हैं, एवरी 5 आवर्स में चेंज करती हूँ। आई नो इतना ज़्यादा सेफ नहीं है पैड यूज़ करना, बट दिस इज़ अ वेरी नाइस पैड। द नेक्स्ट डे जब आप घर पे रहते हो ना, अपने मम्मी अपने पापा, मतलब आप अपने फैमिली के ऊपर डिपेंड होते हो, जब आप अकेले रहना शुरू करते हो, ठीक है, अगर आप अपने सिटी में नहीं रहते हो, दूसरे सिटी में रहते हो, दूसरे कंट्री में रहते हो, सारा काम खुद को करना पड़ता है, ठीक है। और आप स्टार्ट में शायद से आपको लगेगा कि यार ये क्या है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, क्या मतलब यही करने आया हूँ क्या मैं, ऐसा फील होगा। बट ट्रस्ट मी गाइस, धीरे धीरे करके ना आपको इतना अच्छा लगेगा ना, यू विल स्टार्ट एंजॉय योर लाइफ, ठीक है। आपको ना सब्ज़ी लाना, सब्ज़ी खरीदना, दोस्तों के साथ मतलब जाना सब्ज़ी खरीदने, और सच में बताओ मैं जब सब्ज़ी खरीदती भी नहीं थी ना तब भी मुझे अच्छा लगता था वेजिटेबल मार्केट्स में ऐसे ना देखना। एनी को भी अच्छा लगता था, आई रिमेम्बर हम लोग क्लास पे जाते थे तो वहाँ से आते हुए ना हम लोग ऐसे वेजिटेबल मार्केट होते हुए आते थे, तो इट्स वेरी नाइस टू सी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। तो मैं अभी अपने फ्रेंड के लिए वेट कर रही हूँ उसके घर के बाहर। हाय गाइस, ये रेखा है और ये है बहुत ही प्रसिद्ध सिंगर हमारी राजस्थान में, बहुत ही ज्यादा फेमस, नॉट राजस्थान, यहाँ पे भी मेरी फ्रेंड है। हाँ, इतने टाइम बाद हम लोग मिले हैं ना, हम लोग मिलते ही नहीं, पास पास में तब भी पहले हम लोग पड़ोसी थे, अभी भी थोड़े दूर है लेकिन दूर है, पड़ोसी है, दूर वाले पड़ोसी। हाँ, राजस्थान कोटा से हो ना, वैसे तो अपने को सब्ज़ी लाने जाना था बट सब्ज़ी ले भी लिया, वो सब शूट करना भूल गई एज़ यूजुअल, मैं भूल जाती हूँ यार शूट करना, मैं सोची थी सब्ज़ी लेते हुए भी शूट कर लूँगी बट आई फॉरगॉट, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो सब्ज़ी लेते लेते हमें एक शॉप दिखा, गॉड इतने सुंदर सुंदर और ट्रेंडी ईयरिंग्स थे ना, आप देख रहे आप देखो यहाँ पे इतने खूबसूरत खूबसूरत सारे मतलब इतने अच्छे थे ना, आप सारे के सारे उठा लो आके बंद करके, इतने सुंदर सुंदर थे और सिर्फ 30 और 50 रुपीज़ में,
अब समझ रहे हो, ये सारे जो दिख रहे हैं ना, ये सारे 30 रुपीज़ के, कुछ जो थे वो है 50 रुपीज़ के, बट वो भैया और भी 10 रुपये कम कर देंगे, बट यार इनसे क्या ही कम करवाना है ना। और हम लोग जैसे मॉल में चले जाते हैं, हम लोग खा लेते हैं, इतना एक्स्ट्रा टैक्स देते हैं, इतना महंगा महंगा चीज़ें हम लोग खाते पहनते हैं, उसमें तो हम लोग नहीं बार्गेनिंग करते, बेचारे जो रोड साइड के जो वेंडर्स होते हैं उनसे हम लोग क्यों इतना बार्गेनिंग करते हैं, हमें इतना नहीं करना चाहिए। बट हाँ, जो जायज़ जिसका प्राइस है उतना लो, ज़्यादा भी नहीं वो चीज़ ना, मतलब एक्स्ट्रा लूट रहे वो चीज़ भी सही नहीं है। बट हाँ, थोड़ा बहुत आप बार्गेनिंग करो, उनके बारे में भी सोचो, थोड़ा सा सोचना चाहिए मेरे हिसाब से। बट गाइस, आप देख रहे, इतने प्यारे प्यारे इयररिंग्स थे ना, हूप्स थे इनके पास, झुमके थे, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थे। और आप देखो आगे की फुटेज, आप एंजॉय करो। मुझे नहीं पता ये क्या ऑब्सेशन था, जब मैं छोटी, मतलब 16-17 आप समझ लो, उस टाइम पे मुझे पता नहीं यार क्या ऑब्सेशन था इयररिंग्स खरीदने का। और पहले जैसे छोटे छोटे शहरों में कैसे होते हैं ना, स्टेशनरी शॉप्स होते हैं जहाँ पे आपको इस टाइप के ज्वेलरी वगैरह भी मिलती है ना। तो वहाँ पे ना ऐसे जितने भी आते थे ना नए नए, मुझे याद है एक शॉप था जादू का शॉप, मतलब जादू नहीं होता था वहाँ पे, उनका नाम था जादू। आई नो इट्स वियर्ड, बट हाँ ऐसे ऐसे नाम होते हैं। और आई रिमेम्बर मेरे भाई का फ्रेंड का नाम था हवा, हवा मतलब हवा को बंगाली में हवा बोलते हैं, तो उसका नाम था हवा। और एक का नाम था तेल, मतलब जो हम लोग खाना नहीं खाते तेल, तेल। और एक का नाम था आलू। आई डोंट नो मैं ये सब आपको क्यों बोल रही हूँ, बट पता नहीं यार सडनली याद आ गया तो मैं आपसे शेयर कर लिया। मुझे पता नहीं आपसे शेयर करना अच्छा लगता है, ऐसे फ़नी फ़नी इंसिडेंट, फ़नी फ़नी मोमेंट्स, तो बता देती हूँ यार, प्लीज़ नेवर माइंड। अगर बुरा लगता है तो बता देना कमेंट में, मैं नहीं बोला करूँगी, ऐसे होते थे वियर्ड वियर्ड नेम्स, मैं क्या ही कर सकती हूँ। हमारा शॉपिंग तो जल्दी हो गया था और घर जाके मैं करती ही क्या, और मुझे सच में बहुत ज़्यादा कंटाल आ रहा था, तो मैं रेखा के घर चली गई। उसने भी बोला कि चलो चाय पियेंगे साथ में, तो मैंने बोला चलो। तो फिर वो मेरे पास में रहती है, काफ़ी पास में रहती है घर के, तो मैंने सोचा चलो। उस टाइम में 9:30 आई थिंक हो रहे थे, और ये उसका घर है, मैं क्यों दिखा रही हूँ उसका घर मुझे नहीं पता, मुझे आदत है ऐसे घर दिखाना लोगों के। और बस यही उसका घर था, और मैं बैठी वहाँ पे एक घंटा, और उसके बाद मैं निकल गई। और मैं आई नो इतना सामने था, बट मेरे पास सामान था और मैं सामान लेके कैसे जाती। और ये दिखने में छोटा सा बैग लग रहा है, बट इसमें बहुत सारा सब्ज़ी था, मतलब और सब्ज़ियाँ कितनी ज़्यादा भारी होती है आपको पता ही होगा। मैंने अभी नहा वगैरह लिया है, और नहाने से पहले मैंने खाना बना लिया था, क्योंकि यार नहा के फिर खाना बनाओ गर्मी लगती है, एसी नहीं है यार मेरे घर पे, तो मैंने पराठे बनाए। आई नो रात को अनहेल्दी है, बट ठीक है, बहुत दिन से मेरे को मन कर रहा था। और ये आलू का सब्ज़ी, मतलब ये नॉर्मल सिर्फ कांदा और लहसुन और मिर्ची, बस धनिया पाउडर ज़ीरा पाउडर, और इसको पका लिया मैंने अच्छे से, बहुत 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 टेस्टी था और बहुत अच्छे से मैंने इन्जॉय किया। और ये पहाड़ का नज़ारा मैंने बहुत दिन से दिखाया नहीं था, तो मैं खुद ही मिस कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो जी आपको दिखा देती हूँ और आप एंजॉय करो बाहर का नज़ारा। ऐसा तो कुछ खास नहीं व्यू है, बट फिर भी मैं आपको दिखाती रहती हूँ, आदत से मजबूर हूँ। तो मैंने अपना स्किन केयर वगैरह कर लिया और सोने की तैयारी, और मुझे अपना स्किन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने सिर्फ लिप बाम लगाया और कुछ नहीं किया। तो ये ज्वेलरी मैंने वहाँ से लिए थे, ये इयररिंग है। और देखिए एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, सिर्फ 30 रुपीज़ था। 30 रुपीज़ में यार क्या मिलता है, बट 30 रुपीज़ में ये देखिए दो इयररिंग मिले, ठीक है। आप जो ऊपर वाले देख रहे हो छोटे छोटे, वो लड्डू लड्डू से, वो भी मिले, और इसका जो हुप है वो भी मुझे मिला। तो सोचिए 30 रुपीज़ में, मतलब ये तो फ्री के नहीं आते ना, वो आप ख़रीदने जाओ तब भी तो 20-30 रुपीज़ तो जाएगा ना, छोटे छोटे जो टॉप्स थे। तो ये देखिए 30-60 रुपीज़ का दो, ये मतलब अब सोच रही कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ मेरा। सो ऐसे होते हैं हमारे मुंबई के चीपेस्ट मार्केट में, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये मैंने क्लच भी लिया, बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था मुझे, इसलिए मैंने ले लिया। इस वीडियो में इतना ही, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, बाय, टेक केयर।